तेज बहाव में फंसा आयशर वाहन गाड़ी में फंसे पांच लोग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भीकन गांव पुलिस और एसडीआरएफ ने तुरंत पहुंचकर रेस्क्यू किया। पहाड़ी क्षेत्र में बारिश की वजह से नदी में जलस्तर बढ़ गया था, जिसके बाद हालात खराब हो गए। एक गाड़ी जिसमें पांच लोग सवार थे, ये पानी वेदा नदी के तेज बहाव में फंस गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। भीकन गांव पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू किया गया। पहाड़ी क्षेत्र में बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ गया था। क्या कहना चाहोगे तुम टीम के लिए? धन्यवाद तो बोलने ही पड़ेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहाड़ी क्षेत्र में बारिश की वजह से नदी में जलस्तर बढ़ गया, जिसमें एक आयशर वाहन फंस गया था। इसमें पांच लोग फंसे हुए थे, जिन्हें एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर इनका रेस्क्यू किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आसिफ खान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ, पांच लोग जो गाड़ी में फंस गए थे, फिलहाल उनकी क्या कंडीशन है? क्योंकि अचानक से जलस्तर बढ़ा था, मौसम खराब हुआ, जलस्तर बढ़ा, फिलहाल इन पांचों लोगों की क्या हालत है? अभी ये पांच ही लोगों को रेस्क्यू टीम ने तो सुरक्षित निकाल लिया है, मगर इनकी जो कमोदवाड़ा एक नदी है, वेदा नदी, उसके ऊपर ये लोग बाहर के थे, ऐसा कहा जा रहा है कि ये लोग बाहर के थे। इनको मालूम नहीं थी कि ये बड़ी नदी है और अचानक पानी बढ़ने की वजह से ये लोग उसमें फंस गए थे। क्योंकि ऐसा इन लोगों से जब बाहर निकले, ये तो घबराए हुए थे, ये तो अपनी मौत से लड़ रहे थे, मगर रेस्क्यू टीम ने सुबह 6 बजे तक रेस्क्यू कर इन्हें बचा लिया गया। जी, फिलहाल वहां पर क्या आसपास लोगों को ये कह दिया गया है, क्योंकि तेज बहाव पानी का लगातार बढ़ रहा है, जलस्तर में इजाफा हो रहा है, क्योंकि बारिश यहाँ पर हुई है, लोगों से एहतियात बरतने के लिए वहां से कहा गया है, लोगों को हटाया गया है, निचले इलाके के लोगों को? निचले इलाके के लोगों को कल रात को ही शासन ने प्रेस नोट डाल दिया था और मुनादी करवा दी गई थी कि जिस अपर वेदा गेट का जो गेट है उसको 10 बजे रात को खोले जाएंगे, मगर ये लोग बाहर के थे ऐसा कहा जाता है। इनको ये मालूम नहीं था, और जो शासन ने एडवाइजरी जारी करी थी, मगर निचले लोगों को ये पता चल गया था, मुनादी करा दी गई थी ग्राम पंचायतों से कि भाई आप अपर वेदा के गेट खोले जाएंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए आसिफ। तो जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया था, फिलहाल पांचों लोग सुरक्षित हैं, जो कि गाड़ी में फंस गए थे उनका रेस्क्यू कर लिया गया, और एहतियात के तौर पर आसपास के इलाकों को, नदी के आसपास के इलाकों को खाली भी करा लिया गया है।